announcing SOAPs for the people of Delhi, which includes building 1 lakh affordable houses and permanent shelters for slum dwellers, Union Minister and senior BJP leader Venkaiah Naidu asked Delhi to vote the BJP to power, just like Maharashtra, Jharkhand, Rajasthan, Haryana and J&K. आने वाले दिनों में 1 लाख मकान दिल्ली में अफोर्डेबल हाउसिंग के नाम पे आम जनता को मिलने का सौभाग्य और है, उसका भी व्यवस्था किया। साथ ही साथ दिल्ली में 600 से ज्यादा झुग्गी झोपड़ियां है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आने वाले दिनों में 5 साल में का पूरा इलाका में पक्का मकान निर्माण करके सबको देने का व्यवस्था कभी भी सरकार ने निर्णय किया है। दिल्ली में ना मरीन बस्ती होगा, नहीं तो कोई माफिया राज नहीं चलेगा। Naidu said that the government initiatives are being obstructed in Rajya Sabha as the BJP is in minority in the upper house. He added, if Delhi votes the BJP to power with a clear majority, then within a year BJP will be in majority in the upper house as well. Rajya Sabha mein gaye to Congress party aur anya partiyan jo kaam Lok Sabha mein acha hua usko wahan rok rahe, break apply kar rahe, aage nahi jaane de rahe. इसका कारण क्या है? राज्यसभा में कांग्रेस के पास, कम्युनिस्ट और के पास, समाजवादी बाकी लोगों के पास संख्या ज्यादा है, हमारा संख्या कम है। लोकसभा में आपने भारी बहुमत दिया, जनता ने मैंडेट दिया, अच्छा काम करके दिखा रहे नरेंद्र भाई जी का नेतृत्व में, मगर राज्यसभा में रुकावट आ रहे, राज्यसभा में ब्रेक अप्ले कर रहे। इसलिए आप दिल्ली में आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिताइए, जैसा मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, झारखंड में, हरियाणा में, जैसा जम्मू कश्मीर में वहाँ लोगों ने मैंडेट दिया, ऐसा मैंडेट दिल्ली में दिए तो आने वाले 1 साल में राज्यसभा में भी परिवर्तन आएगा। दिल्ली शुड इलेक्ट सच ए गवर्नमेंट which is ready to cooperate with Narendra Modi, which is ready to strengthen the hands of Narendra Modi. We need such a government in Delhi. Please keep this in mind. Powered by NNIS.